खालिस्तान युद्ध से तो आप वाकिफ ही होंगे। क्या ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे या फिर दुनिया भर के राजनेताओं की समझदारी और साझेदारी से परिणाम कुछ और होंगे? क्या ये कहीं संकेत तीसरे विश्व युद्ध के तो नहीं है? अगर हालात इसी तरीके से बने रहे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरे विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर के या किसी भी वॉर के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के जख्म अभी तक भरे नहीं है। जी हाँ, जापान अभी तक उन जख्मों से जुलस रहा है। और यहां बात आ चुकी है तीसरे विश्व युद्ध की। इन हालातों में बात यह बनती है या सवाल ये खड़ा होता है कि भारत किसकी मदद करेगा, यूक्रेन की या फिर रशिया की। हालांकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये अभी अभी बयान आया है कि अगर यूक्रेन के सैनिक पीछे हट जाएं या फिर सरेंडर कर दें तो बातचीत से इस मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने ऐसा करने से मना कर दिया है। इन हालातों में यूक्रेन और रशिया दोनों ने ही भारत से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन इन हालातों में भारत किसकी मदद करेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की मदद करता आ रहा है यानी कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता आ रहा है और भारत के रिश्ते रशिया के साथ बहुत पुराने टाइम से काफी अच्छे रहे हैं, तो ये सवाल अभी बना हुआ है कि भारत किस तरीके से मदद करता है और इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। इससे पहले हम जानते हैं विवाद की वजह क्या है आसान भाषाओं में, तो आगे बढ़ते हैं। रशिया दुनिया का आकार में सबसे बड़ा राष्ट्र है यानी कि सबसे बड़ा देश है, जो कि भारत से लगभग 5 गुना बड़ा है। रशिया यानी कि रूस जो है सोवियत संघ का, रशिया और यूक्रेन दोनों ही सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करते थे, एक गणतंत्र राष्ट्र हुआ करते थे। 1991 में दोनों ही देशों ने अपनी एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा करी, यानी कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दोनों ही देश एक अलग इंडिपेंडेंट देश के, स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर बाहर आए। यूक्रेन की जो सीमा है वो रशिया के साथ मिली हुई है। अब बात यहां पर आती है कि जब दोनों ही राष्ट्र अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, तो फिर इन दोनों में विवाद का मेन कारण क्या है। यूक्रेन और रशिया, हालांकि यूक्रेन और रशिया के बीच तनाव कुछ नया नहीं है, यहां पर तनाव हमेशा से बना हुआ है। इसकी पहली वजह है यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन के साथ नजदीकियां। यूरोपियन यूनियन के साथ नजदीकियां रशिया को पसंद नहीं आई यानी कि उसको गवार नहीं हुआ, ये भी एक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का एक हिस्सा हुआ करता था, उस पे रशिया ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। और तीसरा बड़ा कारण है इसका नाटो। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, ये 4 अप्रैल 1949 में नाटो जो संगठन है उसका निर्माण हुआ था, और इसके जो नेतृत्व है वो अमेरिका के अंडर आता है, ब्रिटेन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है। इससे नजदीकियां रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी कि यूक्रेन नाटो का एक सदस्य बनना चाहता है लेकिन रशिया ने इसको सदस्य बनने से मना की। नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर नाटो के जो मेंबर कंट्रीज है इनमें से अगर किसी पे भी हमला होता है तो ये सारे देश, सारा ग्रुप मिलकर उस पर अटैक करेंगे और उसका साथ देंगे। तो ये है नाटो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रशिया और भारत के रिलेशनशिप कैसे हैं। हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे और इस बीच नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच कई द्विपक्षीय बायलैटरल समझौते हुए हैं, जिसमें कि डिफेंस से लेकर एनर्जी डेवलपमेंट और काफी नए समझौते हैं।
भारत के रिश्ते रशिया के साथ आज से ही नहीं बल्कि नेहरू के काल से, नेहरू के टाइम से ही काफी अच्छे रहे हैं। उसके बाद 1971 यानी कि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश बना, तब जब भारत के खिलाफ पूरा विश्व भारत के खिलाफ था, तब एकमात्र रशिया ने ही भारत का साथ दिया था। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने रशिया के साथ कुछ समझौते किए थे, पीस ट्रीटी करी थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी करी थी। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थे, तब एकमात्र रशिया ने भारत का साथ दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तब ये समझौते किए थे रशिया के साथ कि चाहे पॉलिटिकल हो चाहे डिफेंस हो, हर हाल में भारत रशिया की मदद करेगा। इन हालातों में और इन ट्रीटी के साथ अब भारत क्या जवाब देगा रशिया को, या अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसमें भारत का रुख किसकी तरफ होगा, अमेरिका की तरफ या फिर रशिया की तरफ। आप सभी जानते हैं कि कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के दौरान रशिया और अमेरिका दो भागों में बटा हुआ था, यानी कि पूरी दुनिया रशिया और अमेरिका दो भागों में बटी हुई थी, तब भी भारत ने रशिया का साथ दिया था। आप जानते हैं कि आगे भारत क्या फैसला लेता है, नरेंद्र मोदी किसके पक्ष में जाते हैं, इन हालातों को बातों से सुलझाया जाता है या फिर हथियारों से, ये तो आगे ही बताएगा, वक्त ही बताएगा इनमें क्या किया जाएगा। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शॉर्ट पर।